नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि क्या हमें मल्टी वाइटामिन या मल्टी विटामिन खाने की जरूरत है क्या? कुछ लोग मल्टी विटामिन बोलते हैं, कुछ लोग मल्टी वाइटामिन बोलते हैं, लेकिन मैं भारतीय देसी आदमी मल्टी विटामिन बोलूँगा। और मैं जो बस्ती मल्टी वाइटामिन या मल्टी वाइटामिन करके अंग्रेज बनना पसंद नहीं करूँगा। मैं जैसा बोलना पसंद करता हूँ या जैसा बचपन से बोलता आया हूँ वैसे ही बोलूँगा। अच्छा, तो मल्टी विटामिन जो है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है? अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी इंसान हो तो आप अपने खाने से अपने पूरे दिन का जो पोषण है वो पूरा कर सकते हो। आपको अपने पूरे दिन का पोषण जो है वो पूरा अपने खाने से मिल सकता है, तो आपको मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मल्टीविटामिन कब लोगे भाई? अगर आपको डॉक्टर कह रहे लो, आपको कोई तेरी बीमारी है, डॉक्टर आपको कह रहे लो, तो फिर आप ले सकते हो डॉक्टर कह रहे लो। या बहुत ज़्यादा कई बार क्या पता नहीं, मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखता, पर कई बार लोग बहुत कम कैलोरीज खा रहे होते हैं। वो इतनी कम कैलोरीज खा रहे होते हैं कि उतनी कम कैलोरीज में उनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता। उनके शरीर को जितने भी पौष्टिक तत्व चाहिए, जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो पूरे नहीं मिल पाते, तो वो मल्टी वाइटामिन ले सकते हैं। पर मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि आप इतनी कम कैलोरीज क्यों खाओ। जैसे आप 800-700 या 1000 कैलोरीज क्यों खाओ, मुझे ऐसा कोई खास कारण नहीं दिखाई देता। पर अगर फिर भी कोई बहुत कम कैलोरीज खा रहा तो फिर वो मल्टी विटामिन लेने के बारे में सोच सकता है। तो बाकी अगर एक नॉर्मल हेल्दी इंसान हो, डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला है, खाली कसरत वगैरह करते हो तो सोच लो मल्टी विटामिन ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, तो नहीं। आप अपने खाने को अगर ढंग का खाना खाओगे, सही खाना खाओगे, तो आप अपने खाने से सारे जो भी पोषण चाहिए आपको, जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सब आपको अपने खाने से मिल सकते हैं। खाने का पैटर्न क्या होता है, खाने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मैं थोड़ा आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। इससे पहले मैं थोड़ी दूसरी बातें करूँगा वीडियोज़ में। एक मल्टी विटामिन जो है ये आपके शरीर को नुकसान भी कर सकती है। साइंस में कई रिसर्चेज ऐसी हैं जिनका ये कहना है कि मल्टी विटामिन का कोई खास फायदा नहीं देखा गया। जो बरसों से ले रहे हैं उनके शरीर में उनके शरीर में भी कुछ खास फायदा नहीं देखा गया। और रिसर्च का ऐसा कहना है कि हो सकता है नुकसान भी हो सकता हो मल्टी विटामिन से। तो नुकसान भी हो, क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, ऐसा है कि तुम जो कुदरती खाना है ना, जैसे एक फलका है, मतलब एक आटे की रोटी है, एक फलका है मान लो, तो वो तुम खा रहे हो, उस जो गेहूं से बनी है, वो जिस गेहूं से वो बनी है उस गेहूं में बहुत सारे तत्व थे, वो आपस में शरीर में जाकर के, वो ऐसा नहीं है कि हर तत्व अपना अपना काम कर रहा है, वो सब आपस में मिल करके, एक दूसरे के साथ मिल करके हमारे शरीर में काम करते हैं। तो उनमें से बहुत सारे तत्व हैं जिनके बारे में हमारे अभी विज्ञान को बहुत कुछ अभी पता नहीं है, पता लगना बाकी है। मल्टी विटामिन जो है उसमें वो उनमें से कुछ तत्व डाले गए हैं। अब वो तत्व हमारे शरीर में जाकर के हो सकता है अलग अलग कुछ भी काम कर जाए, वो साथ में काम करने के लिए उनको जो और चाहिए वो सब मल्टी विटामिन में है ही नहीं, क्योंकि अभी तक विज्ञान को उनके बारे में पता नहीं है, पता चल रहा है, या हो सकता है उस मल्टी विटामिन में नहीं है जिसमें आप ले रहे हो। ऐसे सैकड़ों चीज़ें हैं जो खाने में होती है, जो कुदरती खाने में होती है, जो एक साथ मिलकर के काम करती है। और मल्टी विटामिन में कितनी, 8-10-15-20 चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो क्या है कि मल्टी विटामिन में जो चीज़ें ना, वो हो सकता है वैसे काम ना कर रही हों जैसा कि जो खाने से कुदरती चीज़ से वही चीज़ हमारे शरीर में काम कर रही है। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं विटामिन सी की टैबलेट लूँ या मैं मल्टी विटामिन में मेरे को मान लो आयरन मिल रहा है और वही आयरन मेरे को पालक से मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों आयरन जो मेरे को मल्टी विटामिन से मिल रहा है और जो मेरे को पालक से मिल रहा है, किसी और कुदरती खाने की चीज़ से मिल रहा है, तो वो एक जैसी काम करें, या जो गोली में मल्टी विटामिन सी था और जो संतरे में विटामिन सी है वो दोनों एक जैसी काम करें मेरे शरीर में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मल्टी विटामिन नहीं खा रहे तो पूरे दिन की जो आपकी जो कहते हैं न्यूट्रिशन की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको पूरे दिन का पोषण चाहिए, वो पूरा करने में सबसे ज़्यादा जो आपके काम आएंगे वो आएंगे हरी सब्जियाँ। सब्जियाँ, उनमें भी हरी सब्जियाँ, और हरी सब्जियों में भी कौन सी, हरी पत्ती की सब्जियाँ सबसे ज़्यादा जो काम आएंगी, वो आएगी
सब्जियां, सब्जियों में भी कौन सी हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में भी कौन सी हरी पत्ती की सब्जियां, हरी पत्ती की सब्जियों को याद रखना, और फल, फल और सब्जियां आपके न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में बहुत काम आएंगे। इसके बारे में आगे चलेंगे, दूसरे वीडियोस में बनाऊंगा तो उनमें मैं बात करूंगा कि किस कौन सा एक पैटर्न बने जिस पे हम रोज के रोज खाना खाएं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहे, वो आगे थोड़ा आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। पर अभी के लिए समझ लो कि तुम्हें मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है, सही हेल्दी खाना खाओ और जंक फूड कम खाओ या ना के बराबर खाओ या बहुत कम खाओ, और हरी पत्ती की सब्जियाँ अपने खाने में रखो, फल अपने खाने में रखो, सब्जियाँ ज़्यादा रखो अपने खाने में, हरी सब्जियाँ उसमें भी हरी पत्ती की सब्जियाँ। अगर आप उन लोगों को जानते हैं जो मल्टीविटामिन खा रहे हैं या आप खुद खा रहे हैं और आपको लगता है कि मैंने जो बोला उससे कुछ मतलब निकलता है इन बातों का, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करो लोगों के बीच में जो भ्रांति फैली हुई है मल्टीविटामिन लेकर के हम बहुत हेल्दी हो रहे हैं, उस भ्रांति को तोड़ सकते हो। इस वीडियो को शेयर करो अगर पसंद आया तो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आया तो। मैं तुमसे अगले वीडियो में मिलूंगा, बाय बाय।